पाठ 11 है, लेसन नंबर 11 है। इसी में पहले जानेंगे इसको, हम लोग कर चुके हैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग और जो ऑप्शन होता है टिक लगाने वाला वो भी कर चुके हैं। तो हम लोग आज 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। किन्हीं 3 आकाशीय पिंडों के नाम बताइए। तो आकाश में पिंड में कौन कौन होता है, तो सबसे पहले देखिए एक तारा होता है, ग्रह होता है और चंद्रमा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, उस तारे का नाम बताइए जो सदैव स्थिर प्रतीत होता है। ध्रुव तारा हम लोग को दिखाई देता है, सबसे चमकता है, शाम के टाइम में वह पश्चिम में दिखाई देता है और सुबह सुबह पूरब की ओर में हम लोग को दिखाई देता है, जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। ग्रहों के अतिरिक्त और परिवार के अन्य 2 सदस्य के नाम लिखिए। तो धूमकेतु, शुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सब जो है ग्रहों के अतिरिक्त और सूर्य परिवार का एक सदस्य है। कौन कौन है? धूमकेतु, शुद्र ग्रह और उल्कापिंड। 7वां क्वेश्चन है, तारों के अभिलक्षण क्या है, मैंने किसको इसका जो अभिलक्षण होता है, इसका एक्टिविटी क्या होता है। देखिए यह रात में दिखाई देता है, यह प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ये चमकता इसीलिए है क्योंकि इसमें उस प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, ये गुण है उनका, ये तारे टिमटिमाते हैं और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ये हमारा तारों का क्या अभिलक्षण है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्य को सूर्य को तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य भी लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखिए, ध्रुव तारा सदैव स्थिर प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि क्यों होता है, इसका कारण देना है आपको। तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समीप स्थित है और काफ़ी नज़दीक होता है, इसीलिए हमें सदा स्थिर प्रतीत दिखाई पड़ता है। या नदी होने के कारण से क्या होता है, हम लोग को स्थिर नदी दिखाई देता है। पुक्षल तारा धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु एवं खगोलीय पिंड है। धूमकेतु क्या है? खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा सा सर्किल में यह सूर्य का परिक्रमा करता है, इसे पुक्षल तारा या धूमकेतु कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हम बड़े शहरों में रात्रि के समय आकाश में तारों को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सकते हैं, देख पाते हैं? तो चाहिए, चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल से वायुमंडल के प्रदूषित होने के कारण बड़े शहरों में स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि हमको देखने के लिए हमारा आगरी आँख है हमारा यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारा लेयर रहता है, हवा वायुमंडल का धुआं है, धूलकण है, सब है, यहाँ तारा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देख नहीं पाते। तो इस चैप्टर में आपका जितना क्वेश्चन आंसर था समाप्त हो चुका। आप अगर अपना कॉपी कलम निकाल के नोट कर लीजिए और इसको याद करिए ताकि आप अपना एग्ज़ाम में, आने वाला एग्ज़ाम में अच्छा से लिख पाएंगे। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।